आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल में हमारा मोबाइल केवल बात करने के काम ही नहीं आता, बल्कि हमारा ज्यादातर डेटा भी हमारे फोन में ही सेव रहता है। लेकिन कभी मोबाइल के खो जाने से फोन में सेव फोटोज के साथ साथ सारा डेटा भी चला जाता है। लेकिन गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज ने जब से मोबाइल में सेव सारी तस्वीरों को ऑटोमेटिकली सिंक कर लेने का फीचर सामने रखा है, तब से टेंशन थोड़ी कम हो गई है। हम जानते थे कि गूगल तो है ही, हम भूल गए तो क्या, ड्राइव खुद ही हमारी फोटो सेव कर लेगी और जब चाहे हम ऑनलाइन अपनी तस्वीरें निकाल ही लेंगे। लेकिन अब गूगल ने जुलाई महीने से ऑटोमेटिक सिंकिंग वाले अपने फीचर को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल गूगल ने अपने ग्राहकों से मिले फीडबैक के आधार पर ऐसा करने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिली हैं कि गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव में सिंकिंग से कंफ्यूजन पैदा हो रही है। इसका मतलब अब से फोटो या वीडियो गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव के बीच ऑटोमेटिकली सिंक में सेव नहीं होंगी। अगले महीने की शुरुआत से ही गूगल ड्राइव का डेटा ऑटोमेटिकली गूगल फोटोज में नहीं मिलेगा। इसी तरह गूगल फोटोज में ऐड की गई फोटोज या वीडियोस अपने आप गूगल ड्राइव के फोटोज फोल्डर में सेव नहीं होंगी। अगर कोई यूजर गूगल ड्राइव से कोई फोटो या वीडियो डिलीट करता है तो वो फोटो या वीडियो गूगल फोटोज से डिलीट नहीं होंगे, जैसा कि पहले हुआ करता था। इसका मतलब आपको कोई फोटो डिलीट करनी है तो आपको दोनों जगह से अलग अलग डिलीट करनी पड़ेगी। इसी तरह गूगल फोटोज से डिलीट किया गया कंटेंट गूगल ड्राइव से अपने आप डिलीट नहीं होगा। इसके साथ ही गूगल ने एक नए फीचर को भी जोड़ा है, अपलोड फ्रॉम ड्राइव नाम के। इस फीचर से यूजर्स जब गूगल ड्राइव से आइटम्स कॉपी कर गूगल फोटोज में डालेंगे तो उनके पास पहले से ज्यादा कंट्रोल होगा। ये फीचर यूजर को ड्राइव से डेटा सेलेक्ट कर गूगल फोटोज में ले जाने की सुविधा देगा, जिससे उनको फोटोज मूव करने में आसानी होगी। और खास बात यह है कि ड्राइव से कॉपी की गई और गूगल फोटोज में ले जाई गई मीडिया फाइल्स के बीच कोई लिंक नहीं होगा। गूगल फोटोज और ड्राइव के बीच ऑटोमेटिक सिंकिंग खत्म होने और एक नया फीचर मिलने के बावजूद यूजर्स दोनों सर्विसेज के लिए बैकअप और सिंक का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि गूगल ने यह भी साफ किया है कि पहले की फाइलें दोनों जगह रहेंगी। गूगल की ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक जुलाई से पहले गूगल फोटोज और ड्राइव में अपलोड किए गए फोटोज और वीडियोस दोनों सर्विसेज में बने रहेंगे। अगर यूजर के पास गूगल ड्राइव में गूगल फोटोज फोल्डर है तो वो वैसे ही बना रहेगा, लेकिन जुलाई से ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। गूगल हमेशा यूजर फ्रेंडली पॉलिसी रखने की कोशिश करता रहा है और इसके अलावा अपने फीचर्स में भी बदलाव करता रहता है।